वेलकम फ्रेंड्स आर एफ सी एल की ओर से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पी डी एफ जारी की गई है जिसे रमोगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है ओके okay. ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चौदह फरवरी दो हज़ार चौबीस को पब्लिश की गई थी जहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोजिशन के लिए जहाँ पर आपको इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बोथ एप्लीकेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा ओके तो आर एफ सी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसे फॉर्म किया गया था बाई नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ओके okay? तो काफ़ी सारी वैकेंसी है जिसे मैं आपको साथ अभी डिटेल में शेयर करूँगा तो शुरू करते हैं पोजीशन एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से तो सारी पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है और स्ट्रीम्स की बात करें तो केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ एंड एचआर वाले अप्लाई कर सकते हैं इन टोटल ट्वेंटी एट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है और अगर आप स्ट्रीम वाइज एंड कैटेगरी वाइज अगर इसको देखना चाहते हैं कितनी वैकेंसीज लाई गई हैं आपके लिए तो इस पी को आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और जाकर भी आप इस पी को डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पी में है बात करें पे स्केल की तो आपका बेसिक पे स्केल होगा फोर्टी थाउजेंड से लेकर वन लैक फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ तक ओके एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो होगा वो रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का होने वाला है जिसमें आपको तीन साल के लिए बॉन्ड साइन करना पड़ेगा बात करें असेंशियल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की जो कि यहाँ उन्होंने मेंशन किया है तो बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स uh, की तो यहाँ पर आपको बीई, बीटेक एंड बीएससी की डिग्री की रिक्वायरमेंट मांगी गई है एंड सिक्सटी मार्क्स इन एग्रीगेट यू शुड हैव एंड बात करें अदर स्ट्रीम्स विच इज़ नन आइट नन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो उनके लिए लॉ एंड एच आर वैकेंसी है जहाँ पर आपको डिग्री इन एल की रिक्वायरमेंट है ये इंटीग्रेटेड एल भी हो सकती है और बात करें एच पोस्ट की तो यहाँ एम और इंटीग्रेटेड एम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की रिक्वायरमेंट की गई है जो दो साल का होता है ओके तो ये थी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ओके बात करें रिजर्वेशन की तो आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो और अगर आप बिलोंग करते हो तो इस पी में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है यह आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बात करें अप्लीकेशन फीस की तो ये रुपी सेवन हंड्रेड का होने वाला है प्लस आप कुछ बैंक के चार्जेस दिए जाए लगेंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे ये आपको पे करना है बात करें स्टेप्स फॉर अप्लाइंग तो चौदह फरवरी दो हज़ार चौबीस को ये शुरू हो गई थी एप्लीकेशन पोर्टल एंड चौदह मार्च दो हज़ार चौबीस तक ये एप्लीकेशन आप फ़िल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक उन्होंने दिया है और स्टेप्स दिए हैं कैसे आपको फ़िल करना है एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या आपको अपलोड करना है किस साइज में ये सारी डिटेल इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी गई है तो आपको उनकी वेबसाइट विच इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू पर जाना है और यहाँ पर जाकर एनरोल करना है अपने आप को ओके बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि यहाँ पर उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है एंड साथ ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आफ्टर क्लियरिंग दैट सी बी टी टेस्ट एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फाइनली बात करें पैरामीटर की तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका एटी परसेंट वेटेज होगा पर्सनल इंटरव्यू में ट्वेंटी परसेंट और इस तरीके से आपका हंड्रेड परसेंट हो जाता है सिलेक्शन पैरामीटर ओके एंड उसके बाद उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि पढ़ लेने ले के लिए अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने फिर से दिया है जो कि चौदह फरवरी दो से शुरू हो रही है और चौदह मार्च दो तक चलती रहेगी ये अप्लीकेशन विंडो सो दिस वॉज दी कम्प्लीट इंफॉमेशन प्रोवाइडेड इन दिस पी डी एफ जो कि मैंने आपके साथ कम्प्लीट शेयर कर दिया है आर एफ सी एल की ओर से रिक्रूटमेंट है काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई फॉर इट ऑल्सो यू प्लीज शेयर दिस वीडियो द वन कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट Thank you so much for this video. And for more such latest update, you can subscribe our channel. Thank you so much.